सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एक और नया एपिसोड। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है ना, पिछले एपिसोड में हमने हमारा जो ग्रुकी था ना, उसको इवॉल्व कर लिया था। एंड आज के इस एपिसोड में मैं ग्रुकी का जो इवॉल्व रूप है ना, उसको और ज़्यादा इवॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं उसको लेके जाने वाला हूँ अराउंड 35 लेवल तक, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से जब वो 35 लेवल पे पहुंच जाएगा ना, तब वो इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन गाइस, उसको जो है ना भाई 35 लेवल तक मैं इतने जल्दी भाई पहुंचा नहीं सकता। उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ डायनामिक्स बैटल लेनी पड़ेगी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला, क्योंकि डायनामिक्स बैटल लेने से हमको भाई काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमोन भी यहाँ पे कैच करने को मिलने वाले। तो आज का जो एपिसोड है ना भाई, एकदम धमाकेदार होने वाला है। लेकिन आज का एपिसोड जो है ना, वो शुरू करने से पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे गेमिंग बितानी के चैनल पे, जिन्होंने अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के फटाक से सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकॉन, इसको दबा के ऑल पे क्लिक करके रख देना, ताकि नई वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले गाइस, बिना किसी देर के आज का जो एपिसोड है वो करते हैं शुरू। एंड मेरे को यहाँ पे सामने एक भाई डायनामिक्स वाला पोकेमोन दिखाई दे रहा है, तो मैं फटाक से जाके भाई यहाँ पे इसके फाइट ले लेता, ठीक है। हियर वी गो। ले भाई, साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप, ओके ठीक है, डोंट इन वाइट अदर, ठीक है। चलो भाई, मैं इसी से फाइट ले लेता हूँ ना, क्योंकि इसके एक्सपी भी बढ़ जाएंगे ना यहाँ पे, और मेरे को एक्सपी कैंडीज भी मिलेगी, प्लस भाई अच्छा एक्सपी वाले जो स्टोन मिलेंगे, और एक मेरे को कैंडी भी मिल जाएगी। यार वो कौन सी कैंडी होती है, मैं भूल गया भाई उसका नाम, मैं बता देता हूँ आपको। ये कौन है, नाटू क्या है भाई ये पोकेमोन, ये पोकेमोन क्या है भाई, नाटू बीटू क्या है भाई। ले भाई मैक्स डार्कनेस दू क्या, मैक्स स्ट्राइक दे देता ना इसको भाई। ये नाटू बीटू कौन सा पोकेमोन है मेरे को पता नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ यार इसको, इस नाटू को यहाँ पे। ऑल राइट, इसका नाम भी सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ ये भी मेरे को पता नहीं भाई। पार्ट सेट चौट, तो यहाँ पे हमने फेंक दिया है बॉल एंड ओ माय गॉड, हमारा ग्रुकी। अच्छा ये ग्रुकी नहीं भाई, इसका नाम अलग है ना भाई, मैं भूल गया था भाई। 25 लेवल का, 26 का हो जाएगा इसको हराने के बाद। मैक्स स्ट्राइक दे दे, मैक्स स्ट्राइक भाई, इसकी आखिया मारू। ये ले भाई, ये ले पार्ट सेट चौट, ये ले भाई। खतरनाक खतरनाक बोल दे गाइस, खतरनाक बोलते। ओके फायर लीच, ओके हियर वी गो। यहाँ पे पिकाचू भी है, एंड एक वाटर टाइप पोकेमोन है अपने लिए। ओके पिकाचू आओ, खत्म गाइस। क्या बोला था, डायनामिक्स वाली बैटल अपने लिए भाई एकदम इजी रहेगी गाइस, ठीक है, एकदम इजी। फेंक भाई, पोकी बॉल फेंक ले, इसको कैच कर लेंगे गाइस। जो भी मैं पोकेमोन यहाँ पे कैच करूंगा, मेरे को बता देना उसमें से अच्छा पोकेमोन कौन सा है और टट्टी पोकेमोन कौन सा है, ठीक है। सारे के सारे टट्टी होंगे तो भाई बोल देना सारे के सारे टट्टी है, और अगर कोई अच्छा मैं यहाँ पे पोकेमोन पकड़ता हूँ ना, मेरे को भाई नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं पोकेमोन्स गेम में बहुत ही ज़्यादा नूब हूँ गाइस, ठीक है। ओके हियर वी गो भाई, हो जा भाई कैच, हो जा भाई, ठीक है गाइस। तो ये भी पोकेमोन जो भी मैं कैच करूँगा ना, मेरे को बता देना यार, ठीक है, पक्का याद से बता देना कि ये टट्टी है भाई, ओपी है, ठीक है। और भाई इसे नाम लिख के बता देना, ठीक है, लेट्स गो। चलो भाई, इसको मैंने कैच कर लिया यहाँ पे। मेरे को कैंडीज बिंडीज मिली क्या, ओ रेयर कैंडी मिली क्या, रेयर कैंडी यहाँ पे भक तेरी माँ का साकिना का, मेरे को रेयर कैंडी मिली नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। मेरे को रेयर कैंडी चाहिए थी, ये कोई तो पोकेमोन मिला भाई मेरे को। ओके ठीक है, ओके अरे ये कोई तो क्या भाई, अभी तो अपन ने पकड़ा है भाई, ये फ्लाइंग टाइप लगता है, अच्छा फ्लाइंग और साइकिक टाइप है। ओके ठीक है, हियर वी गो, सेंड टू द पार्टी। ऑल राइट, डन डना डन डन, यहाँ पे गेम सेव कर लेता हूँ इससे पहले कि भाई वो क्रैश हो जाए। ओके डन डना डन डन, चलो भाई मेरे को थोड़ी सी एक्सपी कैंडीज मिली है, ओके लेकिन मैं यहाँ पे अभी वो यूज़ नहीं करेंगा। ओके और कहीं पे डायनामिक्स फाइट है क्या, रुक जा मेरे को देखने दो, और कहाँ पे डायनामिक्स फाइट, वहाँ पे है एक और, ठीक है भाई मैं वहीं पे निकल लेता, ठीक है भाई। ये देख रहे हो मेरा पीछा कर रहा है भाई, ये चुटकू लाल मेरा, अबे यार ये किससे पंगा ले लिया मैंने, ठीक है भाई। ओके कॉम भी, ओके हियर वी गो, चलो इसको मार के थोड़ी सी भाई मेरी ये तो हो जाएगी, लेवल अप तो हो जाएंगी। ओके यहाँ पे भाई, ओके ठीक है ये वाला अटैक दे देता हूँ इसको, मस्त है की पहली फुर्सत में टपक जाएंगी, बाय बाय ग्रेट टाइम। ओ नहीं भी टपकी, वाओ स्ट्रगल बग, ओके काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया, उतना भी ज़्यादा ओपी नहीं था भाई, लेकिन ठीक ठाक ही था भाई, ठीक ठाक ही था भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट हियर वी गो, बाय बाय ओ ग्रेट टाइम, कम ऑन ड्यूड, ओके पार्ट साइड शॉट। ओके आई थिंक ये 30 लेवल का हो जाएगा ना, अभी मैं 29 पे हूँ ना अगर मैं सही हूँ तो, अच्छा मैं 25 पे हूँ अभी तक, अभी यार 25 पे हूँ तो मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यार, 30 भाई इतने ज़्यादा दूर पहुँचने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यार, आज तो पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को लगा मैं 29 है समथिंग, ऐसे कौन से लेवल पे हूँ मैं, पहुँच जाता है यार अगर 29 पे होता तो, ठीक है। चलो एक और डायनामिक्स बैटल ले लेते, देखते हैं वहाँ पर रेयर कैंडी मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है लेट्स गो। गाइस यहाँ पे रास्ते में देख रहे हो मेरे को अलग अलग तरह के भाई पोकेमोन्स दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन मैं उन पोकेमोन को एकदम मस्त बाकी अवॉइड मार दूंगा। और यहाँ पे देख रहे हो भाई, ओके मेरे को वाटर टाइप थोड़े से पोकेमोन्स दिखाई दे रहे हैं। ओके हियर वी गो एंड लेट्स गो भाई। ठीक है, ओह यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ है, रुक जाओ उठा लेता भाई। दो दो पड़े हुए कुछ तो, क्या है भाई? रूट है कोई तो। ओके ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, एक और रूट है। ओके डन टना डन डन। ठीक है तो इसमें देखते हैं भाई क्या मिलता है अपन को। ये मेरे को पता है भाई कौन है, ये मेरे को पता है कौन है, ये अपना वो है भाई, वो छोटा सा टर्टल होता है ना भाई, वो है ये भाई। इसको तो इसे आराम से हरा दूंगा मैं। ऑल राइट हियर वी गो। हाँ ये देखो लगाया था भाई मेरे को, चूटेल। यस गाइस चूटेल है। ओके हियर वी गो डन डना डन डन भाई, इजीली हरा दूंगा भाई। इसके दांत देख रहे हो कैसे बाहर आई है भाई, खतरनाक भाई खतरनाक, एकदम ओपी। कम ऑन ड्यूड लेट्स गो। इसको भाई एक फाइल है फुर्सत में, एक फटके में मार दूंगा मैं। ठीक है रुक जाओ, मैक्स स्ट्राइक लेट्स गो। चूटेल तेरी मौत आई है बे, चूटेल तेरी मौत आई है यहाँ पे। ओके यहाँ पे भाई हमने हमारे पोकेमोन को कर लिया मस्त बेकी डायनामैक्स। लेट्स गो डन डना डन डन। ओह माय गॉड, वापस से अपन कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं और मेरी एचपी हो चुके हैं यहाँ पे 106। कम ऑन ड्यूड, दे भाई दे भाई दे, एकदम एकदम मस्त वाला स्ट्राइक दे दे स्ट्राइक भाई, इसकी आख्या मारू तेरे। ले भाई बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम चूटेल। अबे यार चूटेल भाई 80% इसकी एचपी डाउन होगी, लेकिन अपने बचे हुए जो पोकेमॉन्स है ना वो अपन को भाई साथ देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, इसकी पीडी बनना कन्फर्म है। बाय बाय, ऊफ क्या मारा है बे, क्या मारा है। डायनामैक्स पोकेमॉन की तो भाई कोई इज्जत ही नहीं भाई। चूटेल को पकड़ू क्या, मेरे पास पहले से था ना चूटेल, शायद पता नहीं था या नहीं था, इसको कैच कर लेता। वैसे भी भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई इसको कैच करने के लिए, तो अपन कर ही लेते हैं। हियर वी गो, ये आ चुका है भाई अपने बॉल में। एंड मेरे हिसाब से अभी आजू बाजू वाले डायनामिक्स जो बैटल्स थे, बैटल्स थी ना, वो शायद खत्म हो चुकी है, शायद पता नहीं, शायद खत्म हो चुकी है। हियर वी गो, कम ऑन बड़े आराम से बेटा बेटा आराम से। ऑलराइट डन डना डन डन, इजी पीजी भाई, हो गया भाई हो गया। तुम्हारे भाई ने यहाँ पे एक और भाई डायनामिक्स वाला पोकेमॉन यहाँ पे कैच कर लिया है भाई। ओके चूटेल, ऑलराइट एक्सपी कैंडी। अबे यार एक्सपी कैंडीज कहाँ दे रहे यार, मेरे को मन नहीं मांगता भाई ये, मेरे को रेयर कैंडी मांगता भाई। वो चूटेल मेरे पास नहीं था, ओ माय गॉड मेरे पास चूटेल नहीं था। ओके हियर वी गो, ऐड टू पार्टी ने भाई, ऐड टू पार्टी ने, ऐड टू पार्टी ने, ऐड टू पार्टी ने, निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो, डन डना डन डन, इजी पीजी गाइस। यहाँ पे और कोई डायनामिक्स बैटल है, यहाँ पे एक और डायनामिक्स बैटल है। ठीक है लेट्स गो भाई, वहाँ पे पहुँच जाते फटाक से, चलो भाई लोग। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और डायनामिक्स बैटल जो है ना अपन यहाँ पे फटाक से ले लेते हैं। ठीक है लेट्स गो। ये कौन है भाई, ये कुछ अलग लग रहा है भाई, नॉर्मल प्लस फ्लाइंग टाइप है। ठीक है भाई, ठीक है बनता है, तेरे को भी पेलम पाल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखने दो भाई कौन सा पोकेमोन है यहाँ पे ये। ऑल राइट हियर वी गो, ओह माय गॉड, अरे यार इसको तो मैं पकड़ चुका हूँ बे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। इनको मारने से रेयर कैंडीज मिलती है ना, यस इनको मारने से मिलती है भाई, मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। रुक जाओ, इसको पार्ट से हेडशॉट देता हूँ और यहाँ पे पेलम पाल दे देता। ठीक है रुक जाओ, डायनामिक्स कर, उसके बाद इसको मार दे भाई मैक्स स्ट्राइक। ठीक है लेट्स गो, पहली फुर्सत में टपक जाएगा भाई, एक अटैक में टपक जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है रुक जाओ, हियर वी गो। ओके एंड एक काम करता हूँ, अगर इसमें भाई डायनामिक्स कैंडी मेरे को नहीं मिली ना, तो अपन सीधा चलते हैं भाई स्टोरी अपनी जो भाई है ना वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है यहाँ पे भाई मेरे को लगता है नहीं ज़्यादा डायनामिक्स कैंडी मिलेगी, आगे जाके अपन भाई डायनामिक्स कैंडी नहीं सॉरी रेयर कैंडी भाई इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है लेट्स गो, मार इसको मैक्स स्ट्राइक भाई, एक फटके में मरना चाहिए भाई। ठीक है लौंडे एक फटके में मरना चाहिए। ओह माय गॉड इसने बॉल दे दिया भाई। ओके ओके ये लो भाई खत्म भाई, मेरे एक फटके में ये नहीं गया ना तो देख लेना भाई, पार्ट से हेडशॉट। क्या बोला था भाई, क्या बोला था मैंने, बड़े आराम से भाई पेलम पार हो गया भाई इसका। ठीक है ये मेरे पास है पहले से ही, ये पहले से मैंने करा कैच करा हुआ है भाई, नहीं चाहिए मेरे को। बाय बाय ग्रेट टाइम। ओके मेरे को यहाँ पे नहीं मिली भाई, मेरे को एक्सपी कैंडी मिली, मेरे को रेयर कैंडी नहीं मिली वापस से। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती गाइस। ठीक है तो यहाँ पे अपन फटाक से जाते, जो भी कैंडीज मिले ना भाई मेरे यहाँ पे उस पोकेमोन को खिला देता, मैं खिला देता कापे जी। रेयर कैंडी एक मिली है मेरे को, लेकिन रुक जाओ मेरे एक मिनट रुक जाओ, ये मेरा जो पोकेमोन है ना इसकी कितनी लेवल है भाई, मतलब एक्सपी कितनी है भाई एक बार दिखा देना भाई, ये पता नहीं चलेगा। मेरे को किसी से फाइट लेना पड़ेगा, ठीक है रुक जाओ मेरे को किसी से फाइट लेना पड़ेगा भाई। कोई एक क्या भाई, कोई एक क्या, मेरे पास एक रेयर कैंडी भाई जिससे मैं भाई एक लेवल अब इसको कर सकता हूँ फटाक से भाई। ठीक है ऑल राइट ओके, तेरे पास कितना एक्सपी है ब्रो, वो बस जरा सा बचा हुआ भाई। ठीक है एक काम कर भाई, इसको पेलम पाल दे दे बड़े आराम से भाई, ग्रास टाइप एक ही पोकेमॉन चाहिए मेरे को। ओके उतने अच्छे से भाई वर्क नहीं करा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुक जाओ मेरे पास एक और अटैक है भाई, इसके लिए भाई खास मैंने एक और अटैक यहाँ पे लिया है भाई, ये वाला नॉक ऑफ
बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, पार्ट से चार्ट, ये ले भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, हो गया भाई, इसका गेम ओवर हो गया यहाँ पे, ऑल राइट। ओ भाई बढ़ जा यार, अभी यार जरा सी बड़ी डी गेम, मैं इसको एक एक्सपी कैंडी खिलाऊँ क्या, मैं इसकी इसको एक एक्सपी कैंडी खिलाऊँ, क्योंकि भाई अगला वाला मेरे को जिम चैलेंज लेने के लिए जाना है, ठीक है, इस बार मेरे को जिम चैलेंज लेने के लिए जाना है, तो मैं थोड़ी सी लेवल अप करके ही निकलूंगा। ओ यहाँ पे सारे ग्रास टाइप है क्या, ओ मैं अगर इसको पकड़ता हूँ गाइस, गाइस क्या बोलते हो, मैं इसको पकड़ के मेरे इन्वेंटरी में रखूंगा, क्योंकि इसका इवॉल्व रूप जो होता है ना कतई ज़्यादा ओपी होता है भाई, वो बड़ा सा आपने देखा होगा ना बियर भाई, पांडा, सॉरी बियर नहीं, पांडा टाइप होता है ना, वो बन जाता है शायद इसका। ओ इसने क्या दिया भाई, ओ माई गॉड, ओके ये क्या दे रहा है भाई, हाथ से मार रहा है भाई, अबे बस्कर छोटू, बस्कर हो गए ठीक है, छोटू ने बस कर दिया, देख रहे हो भाई मेरी बात मान रहा है, अच्छा है यार तू तो अच्छा है भाई, ठीक है ये ले ले, तेरे लिए खास डबल हिट, डबल हिट तेरे लिए, डबल हिट भाई, ठीक है लेट्स गो, ओके ये एक हिट एंड ये दूसरी वाली, बाय बाय, ग्रेट टाइम, खत्म भाई, ओ माय गॉड, ओके हो गया क्या, इवॉल्व हो गया, इवॉल्व नहीं सॉरी, लेवल अप हो गया बंटा है, लेवल अप हो गया, कम ऑन ड्यूड, अबे यार जरा से के लिए एक और पोकेमोन को हराना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, एक और पोकेमोन को यहाँ पे हरा लेते अपन, ये रहा भाई, ये रहा एक और पोकेमोन, हियर वी गो, डन डना डन डन, ओके वापस से भाई इसको मैं डबल हिट दूंगा, डबल हिट काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छे से वर्क करता है ग्रास टाइप के ऊपर, क्योंकि मैं ग्रास टाइप के ऊपर भाई ग्रास टाइप मूव नहीं कर सकता ना, ओके ये ले भाई डबल हिट, एक फटके में ना मर जाए भाई ये, भाई ये तो एक फटके में ही भाई, ये ना ये तो भाई सिंगल हिट में मर गया भाई, पॉइजन देखे कैसे चला गया भाई, हेलो मैंने इसको भाई मारा फिर भी ये पॉइजन देके चला गया मेरे को भाई, ये चीटिंग करता तू देख, चीटिंग 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 कर रहा है भाई यहाँ पे, ओके ठीक है हियर वी गो, डन 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 डन, ऑल राइट लेट्स गो, यहाँ से अभी बाहर निकल लेते हैं, एंड आई थिंक इसकी लेवल अभी 26 हो चुकी है, ओके 26 हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया, बैग में चलो इसको एक भाई रेयर कैंडी खिला भाई, इसको एक रेयर कैंडी खिला, ओके डन डना डन डन, 27 काफ़ी बढ़िया, ओके एंड उसके बाद ये जो सारे की सारी कैंडी है ना भाई, इसको खिला दे भाई, ठीक है यस ब्रदर, सारी कैंडी 15 की 15 कैंडी खिला देना भाई, लेट्स गो, कितनी लेवल अप भाई, भाई तुझे भी नहीं हुई भाई, इसको एक लेवल भी नहीं दे पाई ये कैंडी सारी की सारी, मजाक कर रहे हो यार, ओके 28 ऑलमोस्ट 29 पे पहुंच गया भाई, ठीक है चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, लेट्स गो, डन 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 डन, अभी अपन अंदर की तरफ चलते, क्योंकि मेरे को और फाइट नहीं यहाँ पे लेनी है, अपन अंदर की तरफ चलते, एंड यहाँ पे जो भाई अपना स्टोरी मोड है ना भाई, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते, ठीक है अभी मेरे को यहाँ पे जाना है भाई, ये बड़े से भाई बैटल अरीना वाले उस जगह पे, ठीक है जहाँ पे जिम चैलेंज होते हैं ना, वहाँ पे जाना है, वो देख रहे हो सामने भाई, एक बड़ा सा कैसल दिखाई दे रहा है भाई, वहाँ पे जाना है, एंड वहाँ पे शायद क्या कौन मिलता है वहाँ पे, आई थिंक सोनिया होती है ना वहाँ पे, ये सोनिया और होप वहाँ पे मिलेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है फटाक से भाई ये लिफ्ट जो है ना ये यूज़ करके मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शॉप्स है भाई, ओके ऑल राइट, ओके क्या हो गया, ग्रर, कौन आ गया भाई यहाँ पे, कौन आ गया, हाँ भाई यार लियोन आ गया भाई, ठीक है भाई लियोन सर जी क्या बोलते हैं देखते हैं, रुको 5 minutes later इसने मेरे को एक मिरेकल सीड दी, ओके इसे क्या होता है, ये मेरे को दिया उसने ग्रास टाइप पोकेमोन जो है ना मेरे पास उसके लिए खासम खास दिया इसने, ठीक है लियोन सर जी ने, लियोन सर जी भाई ऐसे बोल रहे थे कि यार मैं भाई इतनी बड़ी सिटी में भाई लॉस्ट हो चुका हूँ यार, क्या करे भाई इतनी बार आ चुका हूँ फिर भी मैं लॉस्ट होता रहता हूँ यहाँ पे, क्या है बोले भाई, ठीक है और ये रहा भाई नक्चड़ा होप, होप क्या भाई, भाई अभी तक एक्साइटेड है, रुक जा आगे जाके तेरी क्या हालत होने वाली मेरे को पता है भाई, तेरे एल लगने वाले, ठीक है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है भाई जिम चैलेंज के लिए, ओके ऑल राइट चलो भाई लोग, ओके ओके अपन, ओ एनी पूछ रही तू नर्वस नहीं है क्या, ओ माय गॉड, ठीक है चलो भाई लोग अंदर चलते, एंड ओके वो अंदर गया अपन भी अंदर जाएंगे यहाँ पे, ऑल राइट डन डना डन डन, इस बड़े से कैसल के अंदर अपन दोनों जा चुके हैं, एंड ओके अबे यार यहाँ पे ये बेड है भाई, भाई ये बेड है भाई, शो ऑफ बेड भाई, शो ऑफ बेड, ओके लेट्स गो, ऑल राइट डन 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 डन, चलो भाई तो यहाँ पे मेरे को जो ना भाई रजिस्टर साइन अप करना पड़ेगा, ओके एंड साइन अप करने के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा भाई, ये नक्चेड़े बेड के पास भाई, इस क्या क्या, ठीक है रुक जाओ गाइस मैं फटाक से भाई अपना यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, ओके ओ भाई भाई स्टाइल मार रहा भाई, स्टाइल कैसे मार रहा है देख रहे हो, ओ माई गॉड भाई लौंडे तेरे को आगे जाके देख लूंगा मैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का भाई, ठीक है बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का तेरे को, आगे जाके मैं भाई एकदम मास्टर की बराबर हरा के रहूँगा, ठीक है तो यहाँ पे गाइस हमको साइन अप कर लेना है, वो आईडी दे दिए शायद, ओके एनी ने आईडी दे दी है, ओके ऑल राइट लेट्स गो, यहाँ पे साइन अप कर ले तेरे को फटाक से, 2 hours later
तो गाइस यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया है और भाई अंकल जी है ना भाई, अंकल जी ने मेरे को बोला कि भाई अभी जाओ होटल में और भाई कल आ जाना क्योंकि अभी रात हो चुकी है और कल भाई यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है। तो कल भाई हमको ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में, लेकिन भाई उससे पहले मेरे को यहाँ पे भाई होटल में जाना पड़ेगा। रुक जाओ यहाँ पे, होप भाई बाहर निकल चुका है तो मैं उसके साथ निकल लेता हूँ। ऑलराइट, होप सर जी कहाँ पे हो? ओ माय गॉड, ओके ऑलराइट। अच्छा ओके, इसको फॉलो करते करते जाना है मेरे को, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में तो भाई एकदम फुल भाई राड़ा कर लेंगे अपन, ओके। ये मेरे को लेके जाएगा आई थिंक मेरे होटल के पास। स्टोरी तो ऑलमोस्ट वैसी है भाई जैसी उस वाले में थी ना भाई, स्वॉर्ड में वैसी है, बस इसमें थोड़े से पोकेमॉन मेरे को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ओके ये रहा भाई अपना होटल, एंड होटल के अंदर आई थिंक भाई बूम बाम होने वाला है भाई, एकदम एकदम मस्त तरीके से भाई बूम बाम। ओ मेरे शूज़ और मेरी जो हैट है ना भाई सेम कलर की है, जस्ट अभी मैंने नोटिस करा। यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी आई थिंक सोनिया, यस सोनिया मैम। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो भाई खतरनाक वाला बड़ा सा स्टैचू। ऑल राइट ठीक है, तो सोनिया मैम भाई यहाँ पे क्या बोलती है भाई, मैं देख लेता फटाक से, रुको। तो यहाँ पे गाइस सोनिया मैम यही बोल रही थी भाई, स्टोरी तो ऑलमोस्ट वही है, सेम ही है। वो बोल रही थी भाई ये सिंगल जो हीरो है ना भाई, इसने अकेले ने भाई पूरी दुनिया को बताया था भाई यहाँ पे एक स्वॉर्ड एंड शील्ड की मदद से भाई, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे हमको बोला है सोनिया ने भाई यहाँ पे जाके चेक इन कर लो। तो चेक इन कर लेने के लिए भाई ये नक्चेड़े लोग भाई लाइन में खड़े, रुक जाओ। ओके ओके, तभी इनसे भाई पंगे होंगे भाई, इनसे पंगे होंगे भाई 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 भाई, चारों के चारों को भाई एक पहली फुर्सत में पेलम पाल दे दूंगा। मेरा पोकेमॉन जो है ना कतई ज़्यादा ओपी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, आ जा आ जा लोंडे, आ जा लोंडे आ जा, तेरे को बहुत ज़्यादा खुजली मची है ना भाई, बहुत ज़्यादा चुल मची है ना, रुक जा रुक जा। ओके भाई कोई भी पोकेमॉन उतार ले भाई, कोई भी पोकेमॉन उतार ले यहाँ पे। जिग जेगॉन, ओके जिग जेगॉन का भाई रुक जा, अभी यहाँ पे भरता बना देता मैं, ठीक है। लेट्स गो, ये कौन से टाइप है मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन मैं यहाँ पे रेजर लिप दूंगा और यहाँ पे इसकी पेटी बन जाएगी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम ब्रो, पट से हेडशॉट। चल भाई तेरे को दुआ में याद रखूंगा, निकल 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 भाई, मैंने ऐसे ही वो नहीं करा गाइस, ठीक है। कुछ बंदे बोल रहे थे भाई अभी क्यों उसको भाई इतना एक्सपी दे रहे हो यार, बाद में दे देना भाई, तुमको पता चलेगा। अभी रुक जाऊँ कि अपना पोकेमॉन देख रहे हो, एक फटके में सबकी पेटी बनाएगा यहाँ पे, एक फटके में भाई आगे जाके इससे भाई कोई भी पंगे नहीं ले पाएगा भाई, इतना ओपी हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जा सेकंड 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 राउंड, ओके आ जाओ मिस, एक्सक्यूज मी मिस, ओके आपकी यहाँ पे पेटी बनना कन्फर्म है। ओ माई गॉड, ओके खुद का फ्लैग लेके आई है, ओके ठीक है। आ जा ओके निकिट, ओके निकिट सर जी, निकिट सर जी आपको क्या दे भाई, डबल ट्रबल चाहिए तेरे को, ये ले भाई डबल ट्रबल। बाय बाय ग्रेट टाइम, ओके क्विक अटैक, अबे आ तू क्विक अटैक भाई, ओ मैं पॉइजन हूँ मैं भूल गया, फिर भी मैं डबल ट्रबल यहाँ पे यूज करेगा भाई, खत्म भाई स्वाहा। देख रहे हो गाइस ये होता है फायदा अपने पोकेमॉन को भाई इवॉल्व करने का और भाई उसको भाई एक्सपी देने का, उसकी लेवल बढ़ाने का। देख रहे हो देख रहे हो, खतरनाक भाई, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, हार गई। ठीक है भाई बुला बुला दूसरे तरफ फंटर को, बुला दूसरे फंटर को बुला, कहाँ पे आ जा भाई, थर्ड वन जल्दी 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 लाइन से आ जाओ, लाइन से आ जाओ, सबको मारेगा अरे बाबा। अच्छा अभी 2v2 होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी 2v2 होगा, ओके होप यहाँ पे अपनी मदद करेगा भाई, ठीक है। आ जाओ फंटर लोग, ओके हाय हाय, ओ माय गॉड फुल ऑन बाय फायर, ओके लंडो, ओके लेट्स गो। ओके कौन सा पोकेमॉन निकाल रहे भाई, ओके इसके पास जिगजिगॉन एंड उसके पास भाई वो, ठीक है भाई खत्म खत्म भाई। अभी इसका जो वुलू है ना भाई वो देखो भाई कितना कम डैमेज देगा, और मेरा पोकेमॉन जो है ना भाई कितना ओपी डैमेज देगा देख लेना यहाँ पे, ठीक है लेट्स गो, देख लेना भाई ठीक है। क्विक अटैक करा उसके ऊपर, ओके ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये देखो ये अटैक देखो ओपी वाला भाई साहब, पेलम पाल भाई पेलम पाल। अभी उसका वुलू जो है ना भाई वो कैसे अटैक करेगा देख लेना, ठीक है। कर रे बाबा कर अटैक कर अटैक कर अटैक कर अटैक कर, बकरी बकरी ओपी अटैक कर, यूज टैकल, ये देखो उसका डैमेज देखो, देख रहे हो उसके और मेरे डैमेज में फर्क कितना है भाई, मजा आके क्या भाई। ले भाई बाय बाय ओके ग्रेट टाइम ब्रो, निकेट निकल खत्म भाई, काफी बढ़िया भाई, इजी पीजी गाइस इजी पीजी भाई, सबकी बीड़ी बनाएगा तुम्हारा भाई। भाई जिम चैलेंज में तो भाई 1v4 करेगा अपना ये अकेला पोकेमॉन भाई, 1v4 नहीं 1v3 होता है ना फर्स्ट वाले में, शायद तीन ही पोकेमॉन होते हैं शायद फर्स्ट वाले में। ओके एक मूव भाई अनलॉक हुआ, कौन सा भाई, घोस्ट टाइप मूव, अच्छा वुल्फिक्स का घोस्ट टाइप मूव, टेल वाइप भाई डिसेबल कर, टेबल वाइप तो भाई बहुत ज़्यादा टट्टी होता है। वुल्फिक्स का घोस्ट टाइप कैसे आया भाई, ये तो फायर टाइप है ना वुल्फिक्स, वुल्फिक्स कौन से टाइप थी भाई पोकेमॉन में, भूल गया एक्चुअली मैं, उप्स आई फॉरगॉटन। ओ माई गॉड हम हार गए भाई, निकल लो अभी पहली फुर्सत में निकल लो, ओके डन डना डन डन। ओ ये आ गई यहाँ पे, ओके ये इनकी लीडर है ना आई थिंक मरीन, ऑल राइट
भाई साहब सलाम कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, क्या बातें चाहते होती है देख लेता हूँ, रुको। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है ना भाई हमारी जो मरीनी है ना, इसका नाम यस गाइस मरीनी है भाई, वो बोल रहे थे ये जो बंदे लोग हैं ना मेरे फैंस लोग हैं, और भाई ये जो है ना भाई कोई नया अगर चैलेंजर आता है ना तो उनको उंगली करने का काम करते रहते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब उंगली बाजे भाई बहुत ज़्यादा बड़े। ठीक है, रुक जाओ यहाँ पे मेरे को भाई फटाक से भाई यहाँ पे ये करने दो भाई। ठीक है, एक रूम लेने दो मेरे लिए। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट सर जी, सर जी भाई स्किप स्किप स्किप। ओके डन 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 डन। तो यहाँ पे हमने शायद रात बिता ली है क्या? हमने रात बिता ली है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, मतलब रात बिता ली क्या? ओके ओके द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके यहाँ पे हमने रात बिता ली और भाई आ चुका है भाई दूसरा दिन। ऑलराइट डन 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 डन। ओके लेट्स गो। स्टेडियम की भाई ओपनिंग सेरेमनी है भाई यहाँ पे, अभी फुल ऑन भाई फाड़ के रख देंगे भाई, लेट्स गो। चलो भाई लोग। ओके मरीन, आप एक मिनट रुक जाओ, मरीन यहाँ पे मेरे से बात करने नहीं आई यार। वो दो दूसरा जो अपना ये था ना भाई, उसमें मरीन मेरे से भाई स्टार्टिंग में बात करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं अकेला चला जा सकता है भाई, छोटा बच्चा नहीं मैं। ठीक है कि भाई वहाँ स्टेडियम से भाई ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद भाई अरे भाई ड्रॉप कर लिया लोंडे ने। ठीक है, अच्छी बात है गाइस। ठीक है, तो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का जो एपिसोड है ना हमारा पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, ये एपिसोड यही पे समाप्त कर लेते हैं गाइस। पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ना भाई, उसमें भाई अपन ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे भाई स्टेडियम की, एंड भाई नेक्स्ट एपिसोड में अपन जिम चैलेंज भी ले लेंगे, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना नहीं भूलेगा गाइस। अगर आज का एपिसोड अगर आपको आया होगा पसंद, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook.